तो अभी नहा धो के आ चुके हैं, गणपति जी की स्थापना हो चुकी है एंड यहाँ पे है मेरे गणपति जी। मैं दिखा रही हूँ, मतलब दिखाती हूँ एक मिनट के अंदर। कुछ भी नहीं था, बट सिर्फ फ्लावर से हम लोगों ने सजाया है। तो ये मेरा नया जगह है भगवान जी को रखने के लिए। सारे भगवान जी को मैंने नीचे डाल दिया है क्योंकि ऊपर मैंने गणपति जी को डाला है, और येलो फ्लावर्स से। और मोदक मैं बना भी नहीं पाई और ला भी नहीं पाई, तो इसीलिए सिर्फ मिठाई से गणपति जी का आज का दिन जा रहा है प्रसाद। ये हाथी थे मेरे पास जो मैं हमेशा शो करती हूँ, तो ये हाथियों के ऊपर मैंने फ्लावर्स डाल के सजाया है भगवान जी को। यहाँ पे गणपति जी है, यहाँ पे राधा कृष्ण जी है। ये ना फट गया तो मुझे चेंज करवाना है, देखते हैं कहाँ से करवाते हैं। ये है छोटा सा कॉर्नर, पापा है मेरे, एंड बस ये कॉर्नर है। ये है और भी फ्लावर्स में लाई हो ये वाला, पर इसे कौन से वाले वास में डालूँ ये पता नहीं, तो इसलिए अभी ये यहाँ पे है। मे बी इसी में डाल दूंगी या फिर दूसरा वास। अभी रात के डिनर में बन रहा है आलू के पराठे, और दिखा देती हूँ मैं उस तरफ कैमरा करके। ये बन रहे हैं आलू के पराठे, और यहाँ पे है गोभी की सब्जी एंड ग्रीक स्टाइल योगर्ट यानी दही। How was your first day? Hello. Hello. How was your first day? কি হয়েছে ফার্স্ট ডেতে? ঘুম হয়ে গেছে? হ্যাঁ। কি আছে ইসকা রিঅ্যাকশন? नर्सरी में पहले तो वो आना नहीं चाहती थी, रो रही थी, मुझे और खेलना है, मुझे और खेलना है, ये सब बोल रही थी। और फिर? फिर मैंने उसको लालच दे दिया कि कुछ मिलेगा, तब वो आई। माय गुडनेस अमाया, पहला दिन और কি করেছো নার্সারিতে? গার্ডেনে খেলেছে, গার্ডেন মে খেলা, সব বেবিস কো বেবি 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 ওয়ান বেবি টু এসে বল রহি থি। ফির খানা খায়া। ক্যা খানা খায়া? ব্রেকফাস্ট প্লাম। ব্রেকফাস্ট নেই, মেবি মর্নিং স্ন্যাক্স থা ও। মর্নিং স্ন্যাক্স মেবি প্লাম অর কুচ কুচ অর উসনে দিয়া থা। আচ্ছা। সিরিয়ালস অর সামথিং। और वो खेलती रही। Oh, she enjoyed it. Yeah, she enjoyed it very much. सारे बेबीज को वो बना रही थी, क्या बोलते हैं उसको, बेबी का घर। बेबी को एक साथ रखना, चाय बनाना। देखो ओ आइसक्रीम का लालच दिया था। इसीलिए गाइस, कौन अपने बाप को राधा बुलाता है? मम्मा मम्मा तुम्हारा राधा को था है? कुंटा माय बेस्टी पास राधा। ओह, हु इज योर राधा मम्मा? ओह, योर पापा इज योर राधा। राधा के डाको कौन बोले छे? My bestie is my राधा। हाँ मैं जानी सुने थी। मम्मा बोलो पापा राधा के डाको। मम्मा राधा के डाको। मम्मा राधा के डाको ना। ये हमारे घर का एटिक है। दिस इज इट। इट्स क्वाइट डार्क।
यहाँ पे इंसुलेटर्स रहते हैं, दिस आर द इंसुलेटर्स जिससे घर गर्म रहता है. दिस इज द रूफ, ये भी आप देखो यहाँ पे इंसुलेटर है, उसके ऊपर रूफ है. सो ऐसा ही दिखता है. वाओ, ये ओल्ड कैंडल स्टैंड भी है यहाँ पे एक. ये इससे आपको पता चलता है कि कितना रूफ का टेम्परेचर है. दिस वन अभी चल रहा है क्या? हाँ, अभी 80 फ़ारेनहाइट है मोस्ट प्रोबेबली. बहुत सारी चीज़ें हैं. हम अभी यहाँ पे हमारे मॉनिटर्स के जो डब्बे वगैरह है वो डालने लाए थे, रख दिया है. अभी मैं नीचे जा रही हूँ. मॉर्निंग, 2-3 दिन से ठंड तो पड़ी हुई है बट बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है. अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है बारिश, होपफुली आज नहीं होगा. तो आज है अमाया का नर्सरी डे, हम लोग जाने वाले हैं. आज मैं उसको दे के आऊँगी. कल उसका फर्स्ट डे था. संबित ने कुछ वीडियो नहीं किया क्योंकि संबित कल लेके गया था अमाया को. तो आज मैं कोशिश करूँगी कुछ छोटा सा भी हो थोड़ा सा वीडियो करूँ, क्योंकि दिस आर मेमरीज़ फॉर लाइफ टाइम. तो हाँ, सेकेंड डे का होगा बट होगा. एकदम पहले वाले दिन जिस दिन हम लोग गए थे की वर्कर से मिलने, उस दिन का वीडियो है. बट आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है. देखते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे अलाउ नहीं करते वो लोग मोबाइल्स, तो मैं बोलूँगी, देखते हैं. कि नर्सरी जा रहे हैं, आज उसका सेकेंड डे है. फुल तो नहीं, मतलब 2 घंटे का होता है सेशन, क्योंकि अभी जो है ये ट्रायल पीरियड है 1 वीक का. तो बस के लिए वेट कर रहे हैं, तो बस अभी पता नहीं कब आएगा. ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 9:30 बजे से नर्सरी स्टार्ट होएगा. 9:30 तो बज चुके हैं, वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आता है. मम्मा, डोंट ओपन दिस प्लीज. बस इसे पड़े तो खुले जाए तो की हो गए. बस इज कमिंग. अमाया अपनी नर्सरी के रूम में चली गई है. ये है नर्सरी का मेन्यू. यहाँ पे वीक वाइज मेन्यू पहले से दिया रहता है, अगर कुछ ना अवेलेबल हो तो वो लोग बता देते हैं हमें मेल में. मामा, did you miss mama? नर्सरी से निकाल लिया है इसको, बारिश आ चुकी है, जल्दी जल्दी घर जाना है अभी. ओके मामा, did you miss mama? की बोल चले मामा मिस करे? কি বলেছো? মামা কোথায় গেল? ও মামা পেয়েছি. মামা পেয়েছো? মবিবি ঘর মে আকে আমায়া কো খানা খিলা কে सुला दिया है. और ये नया पार्सल आया है हमारे मैट्रेस का, तो मैट्रेस भी आ चुका है. तो अभी इसको अनओपन करके रेडी करती हूँ मैं रूम. आप में से किस किस को घर को डेकोरेट करना पसंद है? मुझे तो नए घर को डेकोरेट करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इतनी बार मैं लास्ट 1 साल में घर चेंज कर चुकी हूँ, तो उसको सजाने में जो खुशी मिलती है ना, वो मतलब मैं बता नहीं सकती. वो सेटिस्फेक्शन किसी और चीज़ में नहीं मिलता है. और जब घर छोड़ के जाते हैं ना, उस टाइम पे जो बुरा लगता है और जो हार्डवर्क होता है ना, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग गैदर करते हैं, उसके बाद उन सारी चीज़ों को हम छोड़ के जाते हैं. कुछ टूट जाता है, कुछ खो जाता है, कुछ लेके जाता है, तो वो सारा जो है ये प्रोसेस बहुत हेक्टिक हो जाता है. तो ये मैट्रेस काफ़ी अच्छा आया है, तो इसको मैं अभी रेडी कर देती हूँ रूम को, तो ये रूम भी रेडी हो जाएगा. और ये प्रोबेबली अभी गेस्ट अगर कोई आता है तो उसके लिए यूज़ होगा. वैसे ही अमाया का रूम है, बट अभी अमाया हमारे साथ हमारे रूम में ही रहती है, उसके टॉडलर बेड में सोती है. तो अभी के लिए फ़िलहाल ये अमाया के नहीं, गेस्ट का ही रूम है. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना. बाय.